तो ये आंखों की काजल अगर अभी लगा लिया अच्छा देखने की जो जो बातें बताई और भी सारी आप चिंतन करना क्या क्या करते हैं तो हमारी आंखें इतने दिव्य बन जाएगी इतना सुंदर बन जाएगी कि सत्य में 2500 साल काजल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का? उसके बाद कान, कान से क्या करते हैं? क्या सुनते हैं? बुरी बात, अच्छी बात सुनते हैं, फिल्म गाना सुनते हैं, और क्या सुनते हैं? घर वालों का टेलर भी सुनेंगे, घर वालों की बात सुनते हैं, किसी की अवगुण भी सुनते हैं, भक्त की ऊपर सुनाई देता है नहीं देता है क्योंकि कान ऑलरेडी बंद है। ये वाली नहीं, जो दिव्य पुकार भक्त आत्माओं की, आप इष्ट देव हो, इतने सारे आत्माओं की पुकार है कि मुझे उद्धार करो, अगर ये पुकार सुनाई देगी ना तो आपकी स्थिति अचल अटल हो जाएगी, तपस्या करने लग जाओगे क्योंकि कान अभी ऑलरेडी बंद है। बाबा कहता है आने वाले भविष्य में जो होने वाला है आपको पहले से सुनाई देगी, बाबा की आवाज सुनाई देगी एक सेकेंड में। हाँ ना? नहीं नहीं बाबा मुझे एक सेकेंड में सुनाई नहीं दिया, दूसरे सेकेंड में टच कराओ चलेगा? इसे अभ्यास के लिए कान को इतना दिव्य बनाना है तो वो कुंडल मिल जाएगा। लेकिन कौन सी कुंडल? कान से अच्छा 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 सुनना है। क्या करना है? सभी बोलो। किसी ने आपने सुनाया? आपको बताएं वो जो भाई है ना, आपको पता नहीं ऐसा लेते मैं कचरा लेके आया हूँ, गंदे नाले से फ्रेश कान में डाल, अच्छा ऐसा ला ले बड़ा बच गया घर में लेके, आपको पता है ये ला मैं प्रेस लाया, आपको पता है वो जो भाई था ना, किसी की अगर हम पर चिंतन करते हैं कान में मैला घुसा रहे हैं, मेरी अच्छा। जीवन में आगे बढ़ना है तो सबको सम्मान दो, सबकी सम्मानीय बात सुनो। अगर आपके बारे में कोई गलानी करता भी है कल से हम पशु से सीख रहे हैं, बढ़िया। अंतर्मन पूछ रहा है आपके बारे में गलानी, और 50 लोग बदनाम कर रहे हैं आपके बारे में। बाबा कहते हैं निंदा हमारे जो करे मित्र हमारे सो। कोई भी गलानी कर रहे हैं आपकी चर्चा हो रही है गांव में महलों में पूरा राज्य में चर्चा हो रही है, आप गलत हो। अगर आप कहोगे मुंह दिखाने लायक नहीं मैं तो मर जाऊंगी, अंतर मन पूछ रहा है क्या चाहिए मैं मरने, मैं मुझे मर जाना चाहिए, ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाना, तो और सिचुएशन क्रिएट कर देगा। अंधेरे में आपको दिया जलाना है, डिप्रेशन जब भी आती है वाह कितना अच्छा हो रहा है, बदनाम हो रहा है तभी बोलो ना। हमारे राज्य में नेता में किसी ने बोला आपकी तो बदनामी बहुत हो रहा है, कहां बनना जो है मेरा नाम आ रहा है मुझे गली गली में सब जान रहे हैं। आया ना यज्ञ में जितनी बदनामी हुई वो इतना यज्ञ आगे बढ़ता गया क्योंकि सत्यता का सूरज को कोई छिपा नहीं सकता है। छिपा सकता है? तो कान से मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा एक भाई कहता है भाई साहब क्या बात करो ऐसे गाना लिखो, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया भाई साहब ऐसे गाना लिखो कैसे, और मैंने गाना भी सुना व्हाट्सएप पे, वो यूट्यूब में किसी ने यूट्यूब में चैनल में डाला है। बाबा तेरी याद जब आती है मेरा मन हलचल हो जाता है यूट्यूब में, और जब जब मैं याद करता हूँ रूहें कांप जाती है, कौन सी गाना क्या लिखा है किसने, चलो ये तो छोड़ो। एक भाई ने कहा भाई साहब अगर गाना लिखना है ऐसे गाना लिखो, कैसे गाना आप गाना लिखते हो ना, मैंने कहा हाँ लिखता हूँ, बोला ऐसे गाना लिखो अभी लेटेस्ट फिल्म का गाना है देखो, फिर मैंने कहा ठीक है सुनाओ तो सही सुना लीजिए लीजिए ओ मैंने आज का जो स्टाइल हो रहा है, मैंने कहा इसमें क्या हो रहा है बाबा को मैं इतना अच्छा याद कर लेता हूँ कन्वर्ट कर लेता हूँ। दुनिया में जो लोग कहते हैं ना मारने वाला बनाने वाला काटने वाला लाने वाला खाने वाला परसने वाला पकाने वाला सबके पर पाप चढ़ता है, और बाबा ये भी कहते हैं मॉर्निंग में
दुनिया में जो भी देह आल में काम करते हैं विकर्म होता है। चलिए फिर से मुस्कुरा के बाबा को याद करें, बाबा मस्तक के ऊपर खुली आंखों से आंख खुले करके गिरने दें। ओम शांति। आंखों से गिरने जा रही थी, बोलो गिरने आ रही है, गिरने आ रही है। रोज एक बार जो जो अभ्यास बताया सुबह उठ के एक बार जरूर करना तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है, करोगे? तो कानों द्वारा क्या करना चाहिए? अच्छा सुनना चाहिए। कैसी वैसी बातें सुनेंगे तो वो अंतर मन में जाएगा, वो उसमें स्टोरेज होगा और वही घटना हमारे जीवन में घटेगी। तो कहता है भाई फिल्म के गाने बता रहे, बाबा भी सुनते थे, लेकिन बाबा जब सुनते थे बाबा के उस समय की लोगों ने सिर्फ परमात्मा से बातें जोड़ने की बात कही है कि नहीं, चरित्र की बात कही है, लेकिन अभी सिर्फ ऐसे शब्द कटु शब्द इस तरीके से जो हमारी बुद्धि को नुकसान पहुंचाती है। और आज दुनिया अति की ओर जा रही है, जा चुकी है, तो हम अपने कानों को दिव्य बनाए ना कि कचरा भरे। जब अच्छा अच्छा सुनेंगे तो कुंडल मिल जाएगा। पहनने के लिए तैयार हो? पक्का? भाइयों में से कौन कौन कुंडल पहनेंगे? नारायण तो कुंडल पहनेगा ना, बोलो हम पहनेंगे, आपको नहीं पहनना, अच्छी लोग बहुत अच्छा।